हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। एक पुरानी कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन डूबती कांग्रेस को अमेठी में राजीव गांधी के नाम का सहारा है। राजनीतिक विडंबना देखिए, एक तरफ बीजेपी दिवंगत अटल जी के नाम पर सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है, वहीं अमेठी में कांग्रेस राजीव गांधी के बहाने लोगों से भावात्मक रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही है। अमेठी वासियों में अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने यहाँ एक अनोखी पहल की है। इसे नाम दिया है हमारे राजीव। इसके तहत पार्टी राजीव गांधी की पुरानी तस्वीरों को इकट्ठा कर प्रदर्शनी लगाएगी। इसमें सबसे अच्छी तस्वीर को राहुल गांधी खुद इनाम देंगे। पुरानी यादों के सहारे पुराने कांग्रेसियों से रिश्ता जोड़ने की कोशिश। कांग्रेस ने अमेठी में शुरू किया हमारे राजीव कार्यक्रम। लोगों से राजीव गांधी से जुड़ी तस्वीरें शेयर करने को कहा। बड़ी तादाद में तस्वीरें लेकर पहुंच रहे पुराने कांग्रेसी। डूबती कांग्रेस को क्या अब राजीव के नाम का सहारा? सहानुभूति एक ऐसा ट्रंप कार्ड है जो राजनीति में आमतौर पर फेल नहीं करता। अभी बीजेपी दिवंगत अटल जी की अस्थि कलश यात्रा निकालकर लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश कर रही है, तो अब अमेठी में कांग्रेस भी पुरानी यादों के बहाने राजनीतिक लाभ लेने में जुट गई है। अमेठी में राहुल गांधी कांग्रेसियों से एक बार फिर भावनात्मक रिश्ता जोड़ने की कवायद में जुटे हैं। वो युवाओं को जोड़ने के लिए तो कई तरह के प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन अब बुजुर्ग और पुराने कार्यकर्ताओं को भी साधने का प्रयास किया है। अपने पिता के जमाने का वही पुराना रिश्ता बरकरार रखने के लिए कांग्रेस ने हमारे राजीव नामक एक अनोखी पहल की है। इसके तहत राजीव गांधी की पुरानी तस्वीरों को इकट्ठा कर जिला पार्टी कार्यालय में एक प्रदर्शनी लगाई गई है। जो बुजुर्ग तस्वीरें लेकर आने में असमर्थ हैं, उनके लिए एक मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर सार्वजनिक किया गया है, ताकि वो तस्वीरें भेज सकें। प्रदर्शनी का समापन 28 अगस्त को होगा। समापन समारोह में राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम के अंतिम दिन सबसे अच्छी तस्वीर वाले को सम्मानित किया जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक प्रोग्राम बनाया गया है कि एक 28 तारीख तक, फिलहाल 20 तारीख से 28 तारीख तक एक प्रोग्राम रखा गया कि इसमें फोटोएं जो हैं लोगों से कलेक्ट की जाएं और उनको एक प्रदर्शनी के रूप में हम लगाएं और एक बार पुनः क्षेत्र की जनता राजीव जी के उन भावनाओं की को जो फोटोएं व्यक्त कर रही हैं उससे अपना सीधा जुड़ाव महसूस कर सकें। हम लोग एक कार्यक्रम चला रहे हैं हमारा राजीव। राजीव जी अमेठी से, जो उनका लगाव था, एक पारिवारिक लगाव था, यहाँ आते जाते थे, तमाम यहाँ के बुजुर्गों, तमाम यहाँ के नेताओं उस समय के, उनके साथ उनके तमाम संस्मरण हैं, तमाम चित्र हैं, तमाम फोटोज़ हैं, तमाम ऐसी स्मृतियाँ हैं जो तमाम हमारे अमेठी के लोगों ने संजो करके रखा है। हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से उन स्मृतियों को संग्रहित करेंगे और उसमें जो अच्छे परिवार की तमाम अच्छी वो हैं उनको पुरस्कृत भी करने का कार्य किया जाएगा। पार्टी दफ्तर में राजीव गांधी से जुड़ी तस्वीरों को लेकर आने वालों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। पुराने कांग्रेसी इन तस्वीरों के जरिए राजीव गांधी से जुड़ी यादें साझा कर रहे हैं। कांग्रेस ऑफिस के माध्यम से दूरभाष से राजीव जी के संग की फोटो के लिए कहा गया, फोटो देने आए हैं। सबकी फोटो है राजीव जी के साथ? हमारी फोटो है वर्ष 1990 की राजीव जी के साथ। आपके साथ थे वो? क्या करने आए थे उसमें राजीव जी यहाँ? राजीव जी यहाँ सेवा दल के प्रशिक्षण कैंपों में आते थे। उस समय राजीव जी आए थे सिमरौता में महाविद्यालय की आधारशिला रखी, क्योंकि राजीव जी के साथ जिनका संबंध पहले रहा है और आज तक जो लोग लगे हुए हैं, तो मेन उद्देश्य तो है कि वो मतलब ये पता लगे कि कौन शुरू से कितने पुराने हैं, उनके वो मतलब वरीयता या जो भी प्राथमिकता हो। हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं कि जो आज हमारे साथ मतलब निष्क्रिय हो गए हैं, उनको सक्रिय भी करना है हमको, क्योंकि राजीव राहुल जी का हाथ मजबूत है। जिस तरह से अमेठी में राहुल अपने पिता की यादों को सहजने में जुटे हैं, उससे अब साफ जाहिर है कि राहुल 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कस चुके हैं। 2014 में स्मृति ईरानी ने उन्हें कांटे की टक्कर दी थी, जीत का अंतर भी कम हुआ था। ऐसे में अमेठी वासियों के मन में राजीव गांधी से जुड़ी यादों को ताजा करने के बहाने पुराने कांग्रेसियों को पार्टी में इमोशनली अटैच करने के लिए राहुल ने ये दांव खेला है। अब देखना है कि राहुल का ये दांव 2019 के लोकसभा चुनाव में कितना कारगर साबित होता है। अखिलेश सोनी, समाचार प्लस, अमेठी।